सोलन में अवैध खनन कार्यों पर खनन विभाग द्वारा शिकंजा कसा गया। रबौन के समीप कलोल गांव में अवैध रूप से चल रहे खनन के कार्य पर कार्रवाई अमल में लाते हुए खनन विभाग द्वारा नोटिस जारी कर 50,000 रुपए का जुर्माना किया गया। रबौन के समीप कलोल गांव में हो रहे अवैध खनन के कारण कई रिहायशी मकानों को खतरा पैदा हो गया था। इस बात की शिकायत लेकर गांव वासी खनन विभाग अधिकारी के पास पहुंचे। विभाग ने तुरंत कार्रवाई अमल में लाते हुए मौके का दौरा किया और खनन का अंजाम देने वाले व्यक्ति को नोटिस थमाते हुए 50,000 रुपए जुर्माना किया गया। यही नहीं, विभाग द्वारा अवैध रूप से खनन को अंजाम देने वाले लोगों को भविष्य के लिए चेतावनी भी दी गई। हाँ, वहाँ पर एक्चुअली लोगों की जैसे अब हमें कंप्लेंट अवेल हुई तो विद इन हाफ एन आवर हमारी टीम वहाँ पर पहुँच गई और टीम ने पहुँच करके जो वेरीफाई किया वहाँ पर लैंड के बारे में कि किसका लैंड है और उसके अगेंस्ट एक चलान किया हुआ है और उस चलान की कंपाउंडिंग लगभग 50,000 के करीब जाएगी और अगर वो कंपाउंड नहीं करता है तो हमें इसे कोर्ट में लगाना पड़ेगा और कोर्ट में लगाने के बाद 2 साल की सजा भी है उसे। जो उसमें नुकसान अगर माइन उसकी वजह से हुआ है क्योंकि हमें सब चीजें वेरीफाई करनी पड़ेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।